हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीनाथ और आप देख रहे हो एस जी रॉयल वर्क। गाइज, आज के इस वीडियो में हमारे पास है हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक और इसमें हम पूरा जनरल सर्विस करने वाले हैं। तो जनरल सर्विस किस तरह करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जनरल सर्विस में क्या क्या किया जाता है और कौन कौन सी चीज जो है उसको चेंज करना पड़ता है, वो सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप भी कोई भी बाइक चलाते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ होने वाला है। तो गाइज, बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, यहीं पे आप देख सकते हो जनरल सर्विस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जो रियर व्हील है इसको ओपन करना है, चेन चक्कर, रियर व्हील और उसके बेयरिंग वगैरह को साफ सफाई किया जाता है। तो गाइज, आप देख सकते हो सबसे पहले तो इसमें ऑयलिंग हो रहा है। अभी जो जो बोल्ट्स हमें ओपन करना है उसके ऊपर सबसे पहले तो ऑयलिंग कर देना है सारा जगह। और यहीं पे आप देख सकते हो आगे का चैम्बर ओपन कर रहे हैं भैया। सबसे पहले तो ये सारा जो पार्ट्स है, चेन कवर वगैरह और आगे का चैम्बर, उस सारे पार्ट्स को ओपन कर लेते हैं हम। पीछे का व्हील को भी ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहीं पे फाइनली सारा जो पार्ट से रियर व्हील है, चेन चक्कर है, सबको ओपन कर दिया है। यहीं पे आप देख सकते हो पीछे के व्हील में तीन बेयरिंग रहते हैं टोटल, दो जो है वो पीछे के व्हील में रहते हैं और एक चेन चक्कर का, बड़ा वाला जो है वो चेन चक्कर का है। तो ये तीनों बेयरिंग को सबसे पहले तो सर्विस किया जाएगा डीजल से, उसके बाद में पानी से वॉश किया जाएगा। तो इसको पहले तो वॉश कर लेते हैं, दिन बाद में चेक करते हैं अच्छा है कि खराब है। यहीं पे आप देख सकते हो चेन चक्कर की दाती जो है वो अच्छी है। अभी इसको लेसर पाने से क्लीन किया जाता है, ऐसे ही इसमें जो साइड में डस्ट रहती है उसको क्लीन करना है हमें, आगे पीछे दोनों साइड इसी तरह। और गाइज, यहीं पे आप देख सकते हो इसको ब्रेक शू बोलते हैं। तो ब्रेक शू को हमें इस तरह का पॉलिश पेपर से क्लीन करना है। उसके पहले हम चेक कर लेते हैं ब्रेक शू अच्छा है कि खराब है, मतलब डालना पड़ेगा कि यही ब्रेक शू जो है वो चलेगा। तो गाइज, इसको चेक करने के लिए यहीं पे हमें सिंपली ऐसे ही ड्रम में डालना है प्लेट को और यहीं पे दबा के देखना है। अगर ये जो कैमलीवर है, इसको कैमलीवर बोलते हैं, ये जो पूरा ऐसे यहीं तक आ जा रहा है तो फिर ब्रेक शू को नया ही डालना पड़ेगा। बट गाइज, अगर ये अच्छा है तो इसको सर्विस करके हम यही ब्रेक शू वापस डालेंगे। ब्रेक शू अभी अच्छा है, नया ही है। इसमें क्या है, इसमें ड्रम में थोड़ा कट हो गया है, इसके लिए ब्रेक शू को हम सर्विस करके यही डालने वाले हैं। अगर आपकी बाइक में ये जो कैमलीवर है वो पूरा यहीं तक आ जा रहा है तो आपको ब्रेक शू चेंज कर देना है। तो दोस्तों, यहीं पे आप देख सकते हो बेयरिंग जो है वो हमारा सर्विस होके आ चुका है। आप देख सकते हो बेयरिंग अच्छा है कि खराब है उसको चेक करने का सिंपल तरीका है गाइज। यहीं पे आप देख सकते हो ऐसे दो उंगली से पकड़ के यहीं से देखना है इसमें प्ले है कि नहीं है। तो गाइज, अगर इसमें प्ले है तो इसको हमें चेंज कर देना है। हल्का सा प्ले तो सब भी बेयरिंग में आता ही है, बट गाइज ज़्यादा प्ले है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये है, इसको ऐसे पकड़ के इसको शेक करना है इस टाइप से, तो इसमें जो बेयरिंग के बोल्स हो गए उसका नॉइज अगर आता है तो इसको चेंज कर देना है। यहीं पे आप देख सकते हो। तो गाइज, ये जो चेन चक्कर का बेयरिंग है वो ख़राब हो चुका है तो इसको हम चेंज करने वाले हैं। और ये जो दोनों बेयरिंग है व्हील का वो अभी सही है, तो ये का बेयरिंग जो है वो पुराना ही फिटिंग करने वाले हैं। और ब्रेक शू को हमें इस टाइप से पॉलिश पेपर से सर्विस कर लेना है। यहीं पे जो ब्लैक सा पार्ट्स हो गया है उसको हमें वाइट वाइट कर देना है इस टाइप से। तो दोस्तों, ये जो अच्छा बेयरिंग है व्हील का, इसमें हम इसी तरह से ग्रीस जो है वो भर लेना है इसे, इसी तरह बेयरिंग में जेल ग्रीस का ही यूज़ करना है ताकि बेयरिंग जो है वो अच्छे से वर्क करे। और गाइज, यहीं पे आप देख सकते हो जो ड्रम है इसमें भी हमें पॉलिश पेपर लगा देना है, क्योंकि इसमें क्या होता है थोड़ा स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो पॉलिश पेपर से हमें क्लीन कर लेना है इसको इसी तरह कुछ। और गाइज, खुशी की बात यह है कि हमारी जो एस जी रॉयल वर्क यूट्यूब चैनल है इसमें फाइनली 15,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमारी एक फैमिली बड़ी हो चुकी है और आप सभी का बहुत प्यार मिला है। ऐसे ही प्यार बांटते रहिएगा और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज लाते रहेंगे। काफ़ी सारे लोग अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं, पढ़ के खुशी होती है, सब लोगों का मैं रिप्लाई भी करता हूँ।
अगर आपको भी इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप हर एक कॉमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो गाइज फाइनली हमने बेरिंग वगैरह को बिठा दिया है, चेन चक्कर का बेरिंग भी इसमें बिठा देना है, तो जल्दी हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो रियर व्हील है वो कंप्लीट फिटिंग हो चुका है, आप देख सकते हो यहीं पे, और यहीं से हमें चेन को सेटिंग करना है। और आप देख सकते हो चेन भी सेटिंग हो चुका है, हल्का सा प्ले रहना चाहिए चेन में, इसी तरह हमें चेन सेटिंग करना है। चेन सेटिंग करके हमें जो मेन एक्सल का बोल्ट है वो इसी तरह कुछ टाइट करना है, वैसे ही व्हील घुमा के यहीं पर ब्रेक लगा के फिर जाके ये जो मेन नट है इसको टाइट करना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी व्हील जो है वो जाम रहता है, तो इसी तरह टाइट करने से जाम नहीं रहेगा व्हील, हमें दबा के ही रखनी है जब तक टाइट नहीं हो जाता तब तक। तो हमारा रियर व्हील का बेरिंग लाइनर वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है फाइनली। अब गाइस जैसे ही हमने पीछे का व्हील को सर्विस किया ऐसे ही हमें आगे का व्हील को भी सर्विस करना है, और यहीं पर कार्बोरेटर रहता है हमारा, कार्बोरेटर को भी सर्विस करना है। और इस साइड आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ मैं, यहीं पर इस साइड एयर फिल्टर रहता है, एयर फिल्टर को भी क्लीन करना है हमें। यहीं पे आप देख सकते हो स्पीडोमीटर जो है वो हमारा वर्क कर रहा है। अब फाइनली हम फ्रंट व्हील को कार्बोरेटर और एयर फिल्टर को फटाफट क्लीन कर लेते हैं। Thank you.
तो दोस्तों फाइनली हमारा जनरल सर्विस का काम जो है वो ख़त्म हुआ और यहीं पे बाइक भी हमने स्टार्ट करके देख ली। अब लास्ट में हमें क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे हमें जो साइड स्टैंड का बोल्ट है इसको चेक करना है, साइड स्टैंड का बोल्ट को चेक करना है, और गियर लीवर जो है वो सही से ही है वो भी चेक करना है हमें। तो यहीं पे ये जो लेडीज़ फुटरेज है पीछे की साइड, ये पैर रख रख के अंदर की साइड चला जाता है, तो इसको हमें बाहर की साइड खींचना है, बाहर की साइड खींच लेना है। चेन सेटिंग भी चेक कर लेना है वापस से, चेन का सेटिंग जो है वो दोनों साइड ये कंप्लीट सही होना चाहिए, और बाकी इंडिकेटर वगैरह सब हमें चेक कर लेना है। टेल लाइट भी चेक करना है, चालू है बंद है क्या, और यहीं पे ब्रेक दोनों चेक कर लेना है। और यहीं पे आप देख सकते हो जो साइलेंसर का कवर है इसका बोल्ट ज़्यादातर लूज हो जाता है, तो उसको भी चेक कर लेना है, उसको भी टाइट कर देना है हमें। और इसके आगे जो किक का बोल्ट है 8 नंबर या तो 10 नंबर का रहता है, यहीं पे 8 नंबर का लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेना है। ये फाउंडेशन का बोल्ट को भी चेक कर लेना है, बाकी बैटरी वगैरह भी चेक कर लेना है, और ऑयल वगैरह भी चेक कर लेना है हमें। ऑयल इसमें चेंज करना है तो चेंज अभी करेंगे लास्ट में, और बाकी ब्रेक वगैरह का सारा सेटिंग करना है हमें, और बाद में यहीं पे आपको दिखा दूँ। हैंडल का बोल्ट वगैरह को भी चेक कर लेना है, और एक्सीलेटर और ब्रेक और यहीं पे क्लच तीनों केबल में ऑयलिंग वगैरह करना है हमें, और आगे की साइड भी सब बोल्ट वगैरह चेक कर लेना है, और लास्ट में यहीं पे इंडिकेटर और हॉर्न हमें चेक कर लेना है, हॉर्न हमारा सही बज, और हमें यहीं पे स्पार्क प्लग को भी चेक कर लेना है, और बाद में लास्ट में बाइक को फुल वॉश करना है। तो गाइज ऐसे ही हमारे यहाँ जनरल सर्विस होती है। अगर इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन है आपको तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज इतना सारा काम करवा के मैं बाइक को वॉश करवा लेता हूँ, देन बाद में करते हैं बात। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो यहीं पे बाइक सर्विस होके आ चुकी है। यहीं पे जो स्टील क्रोम है इसको पेपर लगाया जा रहा है, तो दोस्तों ऐसे ही बाइक की जनरल सर्विस की जाती है। अगर आपकी बाइक में भी जनरल सर्विस करनी है तो आप इसी तरह वीडियो को देख के जनरल सर्विस कर सकते हो आप खुद भी। उसके लिए आपके पास टूल्स होना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी चैनल पर ऐसा नया नया वीडियो आता ही रहता है, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और उसके बाद में जो बेल आइकन आता है उसके ऊपर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। हमारा शॉप यहीं पर सूरत में है, योगी चौक में। अगर आप यहीं कहीं के रहने वाले हो तो यहीं पर डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहीं से जाके हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी कुछ भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों ऐसा ही था कुछ आज का वीडियो, जल्दी मिलते हैं एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। सो गए दोस्तों, बाय बाय।